डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू मॉड्यूल 175 सेवेंटी फाइव ऑफ योर इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस कोर्स इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया था इन द प्रीवियस मॉड्यूल कि ड्यू टू एथिकल जो जो डेटा साइंस में जो रेवोल्यूशन आई है डेटा साइंस के अंदर कंप्यूटर साइंस में आई में सोसाइटी में जो रेवोल्यूशन आई हैं उनको हमने एड्रेस किस तरह से करना है सो दैट इज The topic we are going to cover in this uh, module. अब इन चीज़ों को address करने के लिए there are different approaches ke kanuni तरीका क्या हो सकता है अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो क्या तरीका हो सकता है जो आप किसी सोसाइटी में या वहाँ की नॉर्म्स के हैं तो ये सारी चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा टच करेंगे एंड विल सी के एक जो कम्बाइंड अप्रोच है यूजिंग डिफरेंट aspects और डिफरेंट एंगल्स उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसमें हम तीन डिफरेंट अप्रोचेज हैं एक है रेगुलेटरी रेगुलेटरी वो चीज़ें जो कि गवर्नमेंट जो रेगुलेशन पास करती है कानून पास करती है डिफरेंट दैट इज़ कॉल्ड रेगुलेटरी अप्रोच कि किसी भी जो कंट्री में जिस आ, मुल्क में आप लोग रहते हैं वहाँ की रेगुलेशंस क्या कहती हैं अबाउट डेटा प्राइवेसी डेटा सिक्योरिटी और उससे रिलेटेड जो कवानीन है वो किस तरह से काम करते हैं और फिर जो आपकी जो उन्होंने फिर क्या किया बेसिकली दे हैव क्रिएटेड डिफरेंट अप्रोचेज विद विद इन जैसे रेगुलेशन है ना उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट फ्रेमवर्क्स बना दिए हैं हेल्थ केयर के लिए अलहदा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए अलहदा है इस इस तरह कुछ ने ऐसा किया कुछ जर्नल उन्होंने चीज़ें डिफ़ाइन कर दी हैं जो सबको कवर करती हैं और इसमें दुनिया में दो तीन जो मेन लोग हैं जो इन एरियाज़ में काम करते हैं वन इज़ डेफिनेटली नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है वहाँ पे ये जो कंज्यूमर राइट्स पर राइट टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर इसी तरह यूरोप में तो दोनों के अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए फिर दूसरा आ जाता है जिस इंडस्ट्री में जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनका या उनका विजन या मिशन या जो पॉलिसीज़ हैं वो डाटा प्रोटेक्शन के बारे में डाटा प्राइवेसी के बारे में डाटा मैनेजमेंट के बारे में वो कंपनी या वो जो लाइन ऑफ बिजनेस है वो किस तरह से उनको एड्रेस करती है तो ये चीज़ें हमने देखना फिर तीसरा एंगल होता है सोसाइटी का कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि कानून में बुरी ना समझी जाती हों या किसी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन में उनका इतना इम्पैक्ट ना हो बट एवरी सोसाइटी एवरी रिलीजन एवरी कल्चर दे हैव देयर ओन नॉर्म्स तो उनकी क्या अप्रोच होती है जैसे सच सच है झूठ झूठ है वो हर सोसाइटी में बट देन इफ वी लुक एट सम अदर कल्चरल थिंग्स वो दे आर ईस्ट ईस्ट में डिफरेंट हैं वेस्ट में डिफरेंट हैं यू नो तो इस तरह से ये चीज़ें जो है दे क्रिएट सम Uh, क्या वैसे चाहने कि उसमें वेरियंस आता है जो कि चीज़ों में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है एक्सेप्टेंस लेवल चीज़ों के डिफरेंट होते हैं इन डिफरेंट सोसाइटीज़ जो रेगुलेटरी अप्रोच है दैट इज़ आई जस्ट मैंशन वो है कानून उस कंट्री का जिस कंट्री में या दो चीज़ें होती एक तो ये कि आप किसी ख़ास इंडस्ट्री में हैं बेशक आप यू आर सपोज़ हम लोग पाकिस्तान में हैं या इंग्लैंड में हैं या अमेरिका में तो कुछ चीज़ें जो कानून हैं वो आपके फेडरल लेवल पे होते हैं फ़र्ज़ करें हमारे यहाँ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान है पहले पाकिस्तान टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है इस तरह कंपटीशन कमीशन है तो देर डिफरेंट बॉडीज़ जो कि डिफरेंट कानून बनाती हैं ताकि वो कंपनीज़ को फैसिलिटेट भी करते हैं बिजनेस करने के लिए और उनको रोकते भी हैं कि वो मैल प्रैक्टिस कोई गलत किस्म की जो प्रैक्टिस हैं वो ना कर सकें तो देट इज़ सो ये जो आपके जो रेगुलेटरी अफेयर्स हैं या रेगुलेटरी अप्रोच है टू वर्ड्स डेटा साइंस और आज के ज़माने में तकरीबन हर जो डेटा से हैवी बिजनेस है ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस इज़ नो बेस्ड ऑन डेटा तो उसकी जो सिक्योरिटी प्राइवेसी और जो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी मैनेजमेंट है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल उस सब को डिफरेंट जो है ये आपके प्रोवाइड किए जाते हैं अप्रोच या एरियाज़ या फोकस कि अच्छा इस काम को आपने इस तरह से करना है इसको इस तरह से करना है तो रेगुलेटरी जो अप्रोच है दैट इज वन अच्छा अब रेगुलेटरी अप्रोच तो गवर्नमेंट ने बना दी अब गवर्नमेंट ने जब को, कोई भी पॉलिसी बनाई तो वो ओवरऑल पूरे, पूरे कंट्री के लिए होती है इट कवर्स मल्टीपल इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज लेकिन जब आप फर्ज करें किसी एक खास इंडस्ट्री में जाते हैं आई विल टॉक अबाउट लाइक टेलीकॉम या बैंकिंग इंश्योरेंस हेल्थ केयर रिटेल मैनुफैक्चरिंग हर इंडस्ट्री की फिर कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उस इंडस्ट्री के अंदर जो आपके बिजनेस एप्लीकेशनज हैं जो डेटा बेसिज़ हैं वो उस हिसाब से यूज़ होते हैं ना बैंकिंग में कोर बैंकिंग है टेलीकॉम में बिलिंग सिस्टम है हेल्थ केयर में इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड का सिस्टम है या रिटेल में पॉइंट ऑफ सेल है ई आर पी सिस्टम है एम आर पी सिस्टम है तो हर सिस्टम का जो यूज़ एज़ फार एज़ दी इज कंसर्न वो डिफरेंट है तो वो फिर आपको उसके हिसाब से वो जो हर कंपनी है उनकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज होती हैं उनकी सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं कि हमें अपना डाटा किस तरह से सिक्योर करना है हमने जो डिफरेंट उनके जो एक्सेस के फर्ज करें कोई इंटरनेट के थ्रू उनके सिस्टम एक्सेस करता है कोई इंटरनेट के थ्रू करता है तो वो सारी चीज़ें आपने किस तरह से रेगुलेट करनी है किस तरह से उनको आर्टिकुलेट करना है मे बी दैट इज़ अ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड रेगुलेशन इज़ ऑन द गवर्नमेंट पार्ट और दी जिस एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट के अंडर उनके पार्ट पे बट रेगुले ये जो, जो रेगुलेशन है अबाउट पॉलिसीज प्रोसीजर्स आपका विजन क्या है मिशन क्या है ये चीज़ें बेसिकली उस कंपनी के बारे में है जो कि जिसमें आप लोग काम करते हैं जिसका डाटा आप मैनेज कर रहे हैं जो तीसरी अप्रोच है जो मैंने सोसाइटी की बात की दैट इज़ ह्यूमन राइट्स आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स बट एट द सेम टाइम दैट इज़ द मोस्ट आई वुड से इगनोर्ड एरिया के हम आए दिन सुनते हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती हैं एंड वो जो बहुत एडवांस सोसाइटीज़ हैं उनमें भी उसी तरह से होती हैं जैसे कि जो अंडर डिवेलपड डवेल्पिंग कंट्रीज़ हैं या कोई फार रिमोट कंट्रीज़ हैं सपोज करें कि सेंट्रल अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं फार ईस्ट के कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अभी भी लोग देर लिविंग इन जंगल लाइफ तो उसी तरह से ह्यूमन राइट्स हर जगह पर उनकी जो है ना वायोलेशन होती हैं तो ह्यूमन राइट्स के लिए ज़रूरी यह है कि जो मी एज एन इंडिविजुअल यू एज एन इंडिविजुअल या कोई भी बंदा एज एन इंडिविजुअल जिसका डेटा हमारे पास आना है वो उसको पता तो हो कि भाई मेरा डेटा ये कोई फ़र्ज़ करें जैसे हमने बात की थी कि इंटरनेट पे जब हम जाते हैं वो हमसे दस चीज़ें पूछ लेते हैं अब वो हम उस वक्त जल्दी में जी कि मैंने ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है मैंने सोशल मीडिया का अकाउंट क्रिएट करना है या मैंने कोई फाइल डाउनलोड करनी है या मैंने कोई ख़ास चीज़ एक्सेस करनी है तो हम जल्दी जल्दी में सारी इन्फॉमेसन दे देते हैं उनको विदाउट अंडरस्टैंडिंग विदाउट नोइंग कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी कौन इसको यूज़ करेगा ये कहाँ पे स्टोर होगी एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस क्योंकि इंटरनेट इज़ ग्लोबल ये किसी एक कंट्री की किसी एक कॉन्टीनेंट की चीज़ नहीं तो जो इन्फॉर्मेशन हमने फर्ज करें अभी मैंने कहीं पर फर्ज़ करें किसी एक सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली है तो दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड अब हर बंदे का या हर एजेंसी का या जो भी मार्किटियर्स है हर एक का आपके डाटा में एक अपना इंटरेस्ट है कोई इसको किसी एंगल से देखता है कोई किसी एंगल से देखता है तो दैट इज़ हो यू you नो know, जो ह्यूमन राइट्स है और आप देखिए इवन इन अवर पर्सनल लाइफ हम कहीं भी जाते हैं ना हम सारा फॉर्म फिल करते हैं वो जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे आर टू स्मॉल उनको कोई पढ़ना पसंद ही नहीं करता एंड वी ऑलवेज़ अवॉइड रीडिंग और वो डिज़ाइन भी इस तरह से की जाती है विच इज़ रियली अ वेरी वेरी आई वुड से क्लियर वायोलेशन के पूरा फॉर्म में अगर फॉन्ट ग्यारह या बारह यूज़ हुआ है तो जो टी ओ आर होंगी वो होंगी सात या आठ या नौ में ताकि उनको कोई पढ़ ना सके दिज आर ऑल गिमिक्स विच मार्केटिंग पीपल और डिफरेंट कंपनीज दे डू एनी वेज दिस इज़ अ चैलेंज एंड वी हैव टू यू नो फेस दिस चैलेंज और मैनेज मैनेज दिस इन ओवर रोल्स और इन ओवर कैपेसिटी एज ए डाटा साइंटिस्ट थैंक यू